जेनेटिक कोड की जो खोज है वह नीरेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने साथ साथ कैथाल एचजी खुराना तथा रॉबर्ट हॉल ने की थी, तथा जेनेटिक कोड का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह जॉर्ज घेमाओ नाम के वैज्ञानिक ने किया था। आरएनए में उपस्थित अनुवांशिक सूचनाओं का उपयोग करके एक प्रोटीन का संश्लेषण करना किसी एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करने की तरह ही है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान चार नाइट्रोजनस बेस का उपयोग करके 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स के लिए कोड तैयार किए जाते हैं। जेनेटिक कोड डीएनए के बाद में ट्रांसलेशन तथा बने एमआरएनए पर नाइट्रोजनस बेस का विशिष्ट सीक्वेंस है जिनका अनुवाद प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड्स के रूप में किया जाता है। अनुवांशिक कोड की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। पहला है हमारा त्रिकपुटक, यानी जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट्स। मैसेंजर्स आरएनए में चार न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूजीएसी का इस्तेमाल तीन नाइट्रोजनस बेस युक्त कोडॉन होते हैं, अतः कोडॉन त्रियक होते हैं, क्योंकि अगर कोडॉन एकल होते तो कुल 16 कोड्स बनाते। इन कोडॉन में दो प्रकार के कोडॉन शामिल हैं, पहला अर्थ कोडॉन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंस कोडॉन कहते हैं, तथा दूसरा है हमारा गैर अर्थ कोडॉन यानी कि नॉनसेंस कोडॉन। वैसे कोडॉन को हम लोग सेंस कोडॉन कहते हैं जो एमिनो एसिड को क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, तथा गैर अर्थ कोडॉन वैसे कोडॉन को कहा जाता है जो एमिनो एसिड को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। यानी कि सेंस कोडॉन की संख्या जो है वह 61 है, तथा तीन जो है हमारे क्या है, नॉनसेंस कोडॉन है जो कि टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन की तरह कार्य करते हैं। इनके अंतर्गत जो है UAA, UGA और UAG आते हैं। अगला हमारा है अर्धविराम विहीन, यानी कि कोमालेस कोडॉन्स होते हैं। अगला है कि जेनेटिक कोड के बीच में कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है और ना ही उनके मध्य में कोई रिक्त स्थान होते हैं, अतः अनुवांशिक कोड क्या होते हैं, लगातार होते हैं। गैर ओवरलैपिंग कोड्स, नन ओवरलैपिंग कोडॉन्स। अनुवांशिक कोड जो होते हैं वह क्रमिक रूप से तीन समूहों में बढ़ा जाता है या एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। एक ट्रिपलेट्स का कोई भी नाइट्रोजनस बेस दूसरे के साथ नहीं पढ़ा जाता है। प्रत्येक त्रिक को हम लोग 5' से 3' की दिशा में ही पढ़ते हैं, इसीलिए पहला नाइट्रोजनस क्षार जो होता है वह 5' क्षार होता है, उसके बाद मध्यम क्षार होता है और बाद में अंतिम क्षार होता है जो 3' नाइट्रोजन क्षार वाला होता है। अगला हमारा है अनुवांशिक कोड क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। एक प्रकार का जेनेटिक कोडॉन जो है एक खास एमिनो एसिड को ही प्रदर्शित करते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रियल्स कोडॉन तथा प्रोटोजोअल इत्यादि को छोड़कर सभी जीवों में क्या होता है, एक ही होता है। अगला हमारा है द्विकार्य, जेनेटिक कोडॉन्स आर डबल फंक्शन। AUG जो एमिनो एसिड मिथायोनिन को कोडित करते हैं, इनके साथ साथ यह क्या करता है, इनिशिएटर का भी कार्य करते हैं।